दर्शको जय गुरदेव धन गुरदेव। अज दिन शनिवार 19 नवंबर 2011 की शाम दास चमन लाल मुंडार लंदन तो श्री गुरुदास मिशन इंटरनेशनल टेलीविजन कांची टेलीविजन वालों दास नूं सेवा का हुक्म होया है। मैं आप सारे दर्शकों जी आया कहना हाँ जय गुरदेव धन गुरदेव। अज की शाम अज असी फिर कांची टैलीविजन तो आप जी दे सन्मुख प्रोग्राम लैके आए हैं। अज दे खास दिन ते असी मेरे नाल अज मेन गैस्ट सन श्री मान देसराज मैमी जी प्रधान श्री गुरुदास इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स श्री प्रीतम लाल जी ते बीबी कोहली जी। आप सारे जी आया जय गुरदेव जी जय गुरदेव। सब तो पहला कांची टीवी जिस दी के सानू बहुत ज्यादा जरूरत सी असी कांची टीवी दे सारे मेन फाउंडर मैंबर का अति धन्यवादी हाँ जिन्होंने ये उपराला किया और बड़ी सोच और समझ दे नाल कौम नू एक नवा गिफ्ट दिता है कि साडा भी मीडिया होना चाहिए टैलीविजन मीडिया होना चाहिए। असी उन्हों का अति दिली अपने दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। अज श्री गुरुदास मिशन इंटरनेशनल दे माध्यम तो सारी दुनिया विच साड़ी श्री रविदासिया कौम बड़े फकर नाल एक गल कह सकती है कि असी रविदासिया हाँ। असी रल मिल के सांझीवालता प्यार मुहब्बत दे नाल अपने जीवन बतीत करना है और जिहड़ा साडा संसार दे विच आउणा है श्री गुरदास जी महाराज कहिंदे हन कि इस संसार विच आ के अपना जीवन असीं किद्दां सफल करना है। उस तो पहला कि असीं इस पासे जाइए कि मैं पहले देसराज मैमी जी नूं इंट्रोड्यूस करांगा। देसराज मैमी जी तुहाडा की विचार है अज दे प्रोग्राम बारे? महाराज जी सारे तो पहला समुची साध संगत नूं दास वल्लों जय गुरदेव धन गुरदेव। प्रोग्राम जो कांशी टीवी तो दिते जा रहे है ये असी जिन्नी भी इत्थे दी अपने मैनेजमेंट हैगी असी उन्हां दे बड़े धन्नवादी हैगे आ बड़े अच्छे तरीके नाल प्रोग्राम दे रहे हन। ते दास तीन चार वीकां थोड़ा मिस होया हैगा अपने मैं कम्मां 'च थोड़ा बिजी सीगा ते इस करके आप जी दे मतलब कि दर्शन नहीं मैं कर सकिया। ते दूसरी एक गल हैगी आ कि ए जो प्रोग्राम हैगे आ ये आपां एक सांझी बालता दे प्रोग्राम दे रहे हैं जी। जिस तरह कि तुसी दस्या गा भी ये टीवी चैनल बारे अपना की प्रोग्राम हैगा की हैगा मैं चाहुंदा हैगा कि ये जो प्रोग्राम हैगे आ बड़े अच्छे तरीके नाल दे रहे हैं हां जी। थैंक यू। अच्छा तुसी प्रधान जी मैं पता लगा कि हुणे हुणे इंडिया तो आए हो तुसी इंडिया विच कांची टीवी बारे तुसी सुनिया होगा साडी अपनी कौम साडी अपनी कौम दे नौजवान अपने सियाणे लोग इहदे बारे की सोचते हैं ते वो साडे तो की चाहते हैं वो साडे तो की आस रखते हैं ए कि वो भी ये चाहते हैं कि साडा भी कोई अपना टीवी का माध्यम होवे कि वो साडे वांगू टेलीविजन ते आके कर सकन। मराज साहब जदों तो ए कांशी टीवी आपां शुरू किया हैगा ते इहदी इंडिया दे विच खास करके पंजाब दे विच बड़ी चर्चा हैगी आ और लोगों नू बड़ा ही माण हैगा इस गल का कि साडा भी कोई दुनिया दे विच चैनल शुरू हो गया है जी। ते तकरीबन इहदियां हर नौजवान हर इंसान दे जो मूंह दे विच गल हैगी आ कि इस चैनल नूं जिन्ना भी आपां दुनिया दे विच लिजा सकदे हैगे आ ते लिजाओ और बड़ी जो 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 यंगर जनरेशन हैगी आ वो बड़ा ही इहदे बारे उत्साह हैगी आ ते वो बड़े अच्छे ही तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा आ वो चाहुंदे हन वी इह जो प्रोग्राम हैगा आ ये टेलीविजन दे दिता जावे और साडे नाल बड़ी संगत जोड़न नूं तैयार है जी इस गल्ल। थैंक यू जी। अच्छा जी प्यारे दर्शको ये सन देसराज मैमी जी बैडफोर्ड तो हुण मैं अपने आप जी दे सन्मुख एक बहुत प्यारा गीत पेश करन जा रहा हाँ। प्लीज बड़े प्यार नाल बने रहो आप जी दे सन्मुख बहुत ही प्यारा जागो दा गीत आ रहा है जय गुरदेव जी। गुरु प्यारी सत्संग जी आप जी की सेवा विच रविदासिया धर्म दी जागो मिशनरी कलाकार बलविंदर पिट्टू अते मिस प्रवीण कुछ इओं पेश करदे ने।
आईया वे हुण जागो आईया जागो रविदासियां भी आईया वे हुण जागो आईया बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ने फिर दोबारा फिर एक बार कांची टीवी दे जी आया जय गुरदेव धन गुरदेव असी रविदासिया की जागो आई सुनी है मैनू आस है कि सारे ने पसंद की होगी हूँ मैं अपने साढ़े गैसट प्रीतम लाल सोढी जी और बीबी भोली जी रंधावा जी जो कि साड़ी कौम के अणथक सेवादार हैं ये मैं बहुत देर तो जानता इन्होंने बड़ी सेवा की है हर जगह ये इटली भी जाते हैं इंग्लैंड अमरीका कनेडा हर जगह गए हैं भैन जी तुसीं अपनियां साडियां भैणां मातावां बच्चियां नूं की सुनेहा देना चाहते हो बीबी भोली रंधावा जी सब तो पहला तो मैं सारी समुची साध संगत नूं जय गुरदेव कहिंदी आ जय गुरदेव सारिआं नूं मैं
चैनल चलाउण दे जिहड़े सारे साडे मैंबर आ मैं सारिआं नूं वधाई दे पात्र आ उह क्योंकि उहनां ने इह चैनल शुरू करके सारी समुची रविदासिया कौम नूं इह बहुत ही एक माण बख्शिया है कि इह सारी समुची साध संगत गुरु रविदास महाराज दे शब्द भी सुणदी आ बाणी भी सुणदी आ सवेर नूं ते इह प्रोग्राम भी देखदी आ ते बड़ा उहनां नूं माण इह प्राप्त होया कि असीं गुरु रविदास महाराज दे मिशन दे नाल जुड़ के ते असीं बहुत अग्गे जाणा आ। थैंक यू भैन जी, मैनू यह कहण च बहुत माण हुंदा है कि कांशी टीवी तो हर रोज़ सवेरे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक शब्द कीर्तन अमृतमई बाणी सतगुरु रविदास जी महाराज का पाठ हुंदा है, उसकी व्याख्या की जाती है। साढ़े जिहड़े बुलारे हैं बहुत ही बड़े सूझवान हैं और बड़ी सुरीली आवाज़ दे विच सज्जे ढंग नाल उसकी व्याख्या करते हैं। साढ़े वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं प्रधान जी ਦੇ ਸਾਜ ਮੈਮੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਦੇ ਸਾਜ ਮੈਮੀ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਨੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜੁਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨੀ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੁਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜੀ? 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਦੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਵਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰ ਅਵਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਵਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਥੋਲੋਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੋਰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਟੂ ਅਸ, we can always look at it, think and adopt it, you know, and because this whole atmosphere is for you to carry on. And Sri Gurudas Ji Maharaj says that everybody is equal, everybody has a equal right to study, to home, to living, and I know all of you out there, you are also asking questions, what is Rabdasya, what is Rabdasya religion, and this is for you, that is
वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच हैज बीन निगलेक्टेड. वी फाउंड दैट वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी वुड लाइक टू बी रिस्पेक्टेड. वी आर रिकग्नाइज्ड एंड इन दिस 20th century, we have our own name. Shri Gurudas Maharaj Ji has given us. He also says everybody has equal right, equal method of living, equal job opportunity, and education. And now, Pradhan Ji, to see apne young generation, unanu thada ki message. मेरा अपनी जो रविदासिया जंग जनरेशन हैगी जो साढ़े बच्चे हैगे आ मेरे हिसाब दे नाल बहुत अच्छे पढ़ लिख गए इस वेले घर घर दे विच बहुत सारे बच्चे ने डिग्रियां कर लियां बहुत अच्छियां जॉबां करदे हैगे आ बड़े अच्छे कारोबार करदे बड़ी अच्छी गड्डियां रखी हुई हैं. पर जिहड़ा अपने रविदासियन धर्म दे नाल जुड़ना जां अपना सतगुरु रविदास महाराज दे मिशन दे नाल जुड़ना हैगा वह हाले बहुत पिछे हैं. और मेरी वो इन्हां सारे ही बच्चों ये बेनती हैगी आ कि अपना थोड़ा बहुत भी टाइम कढ़ के भी गुरु रविदास महाराज के मिशन के नाल जुड़ो. तुसी साड़ी कौम का एक भविख जिहड़ा आउणा हैगा तुसी गां चलाउणा हैगा इस कौम नूं. तो इस करके बेनती हैगी आ कि बच्चों नूं और जिहड़े हैगे आ मां प्यो हैगे आ जो उन्हां दे पेरेंट्स हैगे आ उन्हां नूं भी मेरी यह बेनती हैगी बच्चों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा हैगा सतगुरु रविदास महाराज के मिशन के नाल जोड़ो ताकि अपने बच्चों नूं भी पता लगे भी असीं की हैगे आ. को बहुत सारे बच्चों तो पता ही नहीं है भी असीं है की हाँ. ठीक नहीं तो ना अपने पेरेंट्स के कोल इन्ना टाइम हैगा कि बच्चों नूं चंगी तरह एक्सप्लेन कर सकन. बच्चों नाल थोड़ा बहुत टाइम जरूर स्पेंड करो और बच्चों नूं दसो अगर असीं इस गल जिदा तुसीं हुणे कह के हटे हैगे आ कि अगर आपां इस गल चों बाहर जद तक नहीं आउंदे तां असीं जिहड़ा हैगा असीं अपने धर्म नूं अपना जो असीं अपने रविदासियन हैगे आ दुनिया विच लैके जाणा चाहुंदे असीं कामयाब नहीं हो सकदे. प्रधान जी थैंक यू. हुण प्रधान दसो तुसीं ना बाहरले मुल्कां विच भी जांदे हो जिदा इटली जांदे हो अमरीका जांदे हो कनेडा जांदे हो इंडिया जांदे हो साडा टैलीविजन कांची टीवी जिहड़ा कि श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल ने शुरू किया है इहदा बाहरले मुल्कां विच लोग की सोचते हैं वो की तवक्को रखते हैं साढ़े को किस टैलीविजन किदा एक्सपैंड करिए साहब. खास करके यूरोप की मैं गल करता है कि यह जदों असी पहला प्रोग्राम दिता है तो असी एक यही सोचा सी कि असी सिर्फ एक अपना प्रोग्राम दे के एक घंटे का प्रोग्राम दे के अपना मैसेज जो देना चाहते हैं पूरी समुची साख संगत खत्म कर देना. पर सतगुरु रविदास महाराज की मेहर इन्नी हुई हैगी कि असी इत्थे तक सोचा नहीं सी जिथे तक अज आप पहुँच चुके हैं. हाँ जी तो और खास करके सानू जो यूरोप तो रिस्पोंस आ रहा हैगा इस प्रोग्राम नू चलाउण दा बहुत अच्छा रिस्पोंस आ रहा हैगा. इटली तो बड़ा अच्छा रिस्पोंस आ रहा हैगा अपने होर कंट्रियां तो जिदा तुसी फ्रांस ला लो अपने होलैंड हैगे आ होर तकरीबन असी सारे गुरु घर जिहड़े हैगे इन्हां दे विच सतगुरु रविदास महाराज दा जो मिशन हैगा इस तुहाडे सारयां दे सहयोग दे नाल असी उन्हां नू चलाया हैगा और सानू बड़ा अच्छा रिस्पोंस आ रहा हैगा. थैंक यू. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਧੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਨਿਤਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਲੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਆਏ ਪਿਆ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰਗਾਮੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
छोटे वीर आ वह तो उन्होंने इन्ना उत्साह आ कि वह कहें कि तुम चैनल शुरू कर किया तो असं धन्यवाद करते हैं पर पैसे पक्षों ज होर किसी पक्षों भी असी मोढ़े ना मोढ़ा ला के सहयोग देवे पर उन्होंने सानू बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिता है। ये मैं उन्होंने इन्ना धन्यवाद करती हाँ कि सानू उन्होंने कोई भी कमी नहीं महसूस होने दी कि तुम कहते चैनल 24 आवर भी चैनल चलाओ तो असी पूरा पूरा सहयोग देवे तो बीबिया भैन तो इन्ना सोहना उन्होंने कहा कि असी हरेक सत्संग करते हैं हरेक गुरु घर च प्रोग्राम करते हैं कि जिनी भी साढ़े को माया जिनी भी साढ़े को सेवा होगी असी हर पक्षों करने तैयार है कि मैं इटली में देखा कि बीबिया का बहुत ज़्यादा ही छोटिया साड़िया बच्चिया का बहुत ज़्यादा सहयोग है तो मैं उन्होंने इन्ना धन्यवाद करती हाँ कि जोड़ा कि मेरे को लफ्ज नहीं उन्होंने कह लो कि जिन्ना कि सा उन्होंने सू प्यार दिखा लिया अपना। थैंक यू भैन जी। इस दे नाल नाल अज असी मीटिंग की असी ऑलरेडी कांची टीवी की मैनेजमेंट कमेटी आ जिमें कि हंसराज बंगा जी बलवीर कलेर जी कलेर साहब और बाकी सज्जन वो सारे एक बल्कि आस करते हैं कि असी छेती तो छेती ये टीवी कांची टीवी 24 आवर शुरू करांगे और इस दे नाल नाल मैं देसराज मैमी जी अगे एक होर क्वेश्चन करदा कि प्रधान जी भी थोड़ा ये बारे की विचार आ। देखो अपने अमराज जी जिदा दस चुके है भी जी जिनी जिनी भी अपनी समुची जी टीम हैगी अपने अपने बिहाफ से बड़ा ही अच्छे ही तरीके दे नाल इस प्रोग्राम नू चला रही हैगी आ। इस प्रोग्राम नू चलाने लई कोई भी किसी नू कोई पैसा नहीं दिता जा रहा है जिन्हें भी है सारे सेवादार इत्थे कम करते हैं। पर मैं नाल दी नाल एक जिहड़ा हैगा आ अपने उन्हां भरावां नू उन्हां भैणां नू एक जरूर बेनती कर देना चाहुंदा हैगा आ कि असी देखो इंग्लैंड तो बाहर यूरोप च गए हैगे आ सानू बहुत अच्छा रिस्पोंस आ रहा हैगा उत्थों। एक बहुत मैनू थोड़ा जिहा दुख लग रहा हैगा इस गल का कि अपने एक इंग्लैंड दे विच यूके दे विच जदों कि असी सारिआं नालों पुराने जिहड़े इत्थे 1960-50 तो इत्थे आपां रह रहे हां रवदासियन लोक जी और इत्थे इत्थों ही अपनी समुची कौम नू इंग्लैंड दे रवदासियन लोकां ते माण आ। पर दुख यह आया कि हाले तक जिहड़े मेरे भैण भरा हैगे आ किसी भी कारण किसी गल्लों जां पिछे हट के बैठे हैगे आ उन्हां नू इस मिशन दे नाल जोड़ना चाहीदा हैगा क्योंकि ये जिहड़ा हैगा इंग्लैंड हैगा एक बड़ा ही वधिया डेमोक्रेटिक कंट्री आ और ये जी एक ऐसा एक ऐसा एक मुल्क हैगा जिथे तुसी अपनी आवाज नू बड़े ही फकर दे नाल तुसी दुनिया दे मूहरे लैके जा सकते हैगे आ। ठीक है जी। तुसी इत्थे तां तुहानू जिहड़ा हैगा किसे तों तुहानू खुल के कहो असी रवदासियन आ हाँ जी तुहानू कोई इत्थे हर तरह दा लोकी रहिंदे हैगे आ बड़ियां कम्यूनिटियां इत्थे रहिंदियां हैगियां तुहानू अपने आप नू छुपाउण दी लोड़ नहीं हैगी जिदा मतलब इतने तो इन्ना क है मंडार साहब भी तुम इस मुल्क जे तुम किसी जानवर न भी तंग करते हैं किसी जानवर न भी वितकरा होंगे है तो वह जानवर की भी सुनी जाती है। बिल्कुल सही फरमाया उस जानवर की भी सुनी जाती है वह जो मालिक है जो वो जानवर के नाल भी घर के वितकरा करता तो वो मालिक न भी सजा दी जाती हैगी अपने नाल जो वितकरे हुए है जी जे कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮਖੀਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
प्यार मुहब्बत नाल गलबात कर सकते हैं, अपने ओपीनियन दस सकते हैं, असी उन्हां दी सोच लैके अगे बढ़ सकते हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ
ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਿਰਬਾਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਹਨ ਦੇਖੇ ਹਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਤਵੰਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਛ ਪਤਵੰਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੌਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
कि वो आसा वो मनोकामनावां वो दिल दियां रीझां वो जो साडे अंदर अंबीशन है जो साडा निशाना है जो साडा उद्देश है और उहदी पूर्ति वास्ते सन उद्दम की लोड़ है। अगर सतगुरु रविदास माई का सुपना स्वीकार करना अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सुपना स्वीकार करना तो साडे को राजनीतिक सत्ता राजनीतिक पावर राजनीतिक शक्ति आनी बहुत जरूरी है। रविदासिया कौम के महाराज ने बड़ी बख्शिश की बाबा साहब ने बड़ी बख्शिश की है। अज वक्रे वक्रे खेतरां दे विच वक्रे वक्रे देशां दे विच पोलिटिकल तौर पर भी साडे पतवंते गुरु माई के सेवादार गुरु माई के श्रद्धालु पूरी आजादी के नाल राजनीतिक तौर पर समाज की सेवा कर रहे हैं देश की कौम की और कम्यूनिटी की इंसानी की सेवा कर रहे हैं। मैं सब तो पहले मेहमान जो कि स्टूडियो भारत तो आए ने और उन्हों का मैं तौरफ करा रहा उन्होंने जानकारी उन्होंने इंट्रोडक्शन वो हैं मेरे खब्बे हाथ बिल्कुल बैठे ने श्रीमान भगवान सिंह चौहान जेडे कि बहुजन समाज पार्टी भारत दे नैशनली तौर पर जिथे जिथे भी इन्हों सेवा मिली है एक करता धरता है और वफादार सिपाही दे होने के नाते जो इन्हों अज दे मौजूदा बहुजन समाज पार्टी भारत दे प्रधान होली सोली करतार धरता भैन मायावती वालों जो इन्हों माण दिता गया भगवान सिंह चौहान जी नू एक माण चौहान का चौहान जी का नहीं बल्कि वह पंजाब का माण है पंजाबियों का माण है और जिन्हों उन्होंने अपनी कै अपने जो उन्होंने बिल्कुल नेड़े सूत्रों के विच कमेटी है उन्होंने नाल नाल रखिया और इस तो अलावा एक माण इन्हों ये दिता है कि जिहड़ी हिमाचल प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी है उत्थों दे इन्हों को ऑर्डिनेटर बनाया गया है। अज साडे कोल बिल्कुल स्टूडियो दे विच प्रोग्राम दे विच हाजिर ने मैं चौहान जी आप जी नू गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों कंच टीवी वालों अपने वालों जी आखदा और जय गुरुदेव कहना हाँ। नाल ही इन्हां दे बैठे ने बलवीर कलेर जी कांशी टीवी दे इस प्रोग्राम नू इत्थों तक पहुँचाउण वाले होंद विच लियाउण वाले जिन्हां दी सब तो वड्डी इहदे विच कोशिश है उद्यम है सहयोग है और इन्हां नू भी जीआं आखदा। नाल ही बैठे ने साडे रमेश कलेर जी और इन्हां दीआं सभावां और इन्हां दीआं सभावां दे नाल नाल अज जो असीं प्रोग्राम सुन रहे हां इस प्रोग्राम नू इत्थों तक पहुँचाउण लई जां आप जी दे रूबरू सानू कराउण वास्ते इन्हां दा भी उद्यम है और इन्हां नू भी मैं अपने वालों जी आखदा हाँ। नाल ही साडे स्वर्णदास बंगड़ जी जिन्हां दीआं रविदासिया कम्यूनिटी दे प्रति रविदासिया समाज दे प्रति जिथे जिथे भी कोई धार्मिक स्थान है जां जिथे भी कोई संस्था है उन्हां दे प्रति इन्हां दीआं सेवावां गुझियां नहीं सो इन्हां दा भी कांशी टीवी नू चलाउण दे विच काफ़ी योगदान है सो तुहानू भी कांशी टीवी वालों जी आखदे हाँ। बलवीर जी तुसी इस वेले एक कांशी टीवी जिन्हों इस वेले सारा संसार देख रहा और संसार तक अपनी भरावां दी अपने समाज दी अपनी कौम दी अपने गुरुआं दी अपने रहबरां दी जिन्हां ने साडे लई बड़े बड़े पुरशार्थ बड़े बड़े काम कीते ने और उन्हां दीआं गल्लां करन वास्ते उन्हां दी महिमा गाउण वास्ते सानू तुसी इह प्लेटफार्म दित्ता है। अज इस प्लेटफार्म दे उत्ते भारत तो साडे कोल एक महान शख्सियत जिहड़े कि कौम दे सेवादार ने और बहुजन दे विच रविदासिया कौम भी भाईवाल है और उन्हां दे विच अनथक सेवादार आए ने
मैं आप जी ने एक बेनती करता है वे गुरु रविदास मिशन वालों इन्हों जी आया कहने की कोशिश करो। जगदेव जी, जगदेव सब तो पहला चौहान जी थोड़ा बहुत बहुत असि श्री रविदास मिशन इंटरनेशनल कांशी टीवी वालों धन्यवाद करते हैं जिहड़ा कि तुसी एड्डी दूरों चल के सानू अपना कीमती टाइम दिता ते साडी जो भी रविदासिया कौम की जरूरत हैं अपने जो भी साडे समाज की डिमांड असी एन आर आई बंदे चाहते हैगे हाँ तुसी साडे कोलो सुन के अपने भैन मायावती नू जो भी साडे लई सुनेहा तुसी उन्हां नू दे सकदे हाँ उन्हां नू साडा इह सुनेहा मैसेज पहुँचावो ते दूजा तुहाडा असी फिर धन्नवाद करदे हां श्री रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों जिहड़ा कि तुसी साडे स्टूडियो दे विच आ के साडे नाल मैं मिलाप किया है थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कलेर जी आप इतों तक आ पहुंचे हैं मैं सिर्फ तो सिर्फ आप जी ने पूछना बे संगत के सू बहुत स्नेह मिल रहे हैं जेडे इस टीवी सवेर न और सैचरडे शाम को जो साडा प्रोग्राम देखते हैं और इन्हों देख के जो लोगों के अंदर संगत के अंदर पब्लिक के अंदर चा उठ रहा इस कांशी टीवी के प्रति जो प्यार उठ रहा और उन्होंने बहुत सारिया भावनावान के नाल नाल बहुत सारिया मंगा भी ने जिमें कि मैं पिछले भी एपीसोड गल की सी संगत यह चाहती है भी साडा इको एक चैनल जेकर चलिया दुनिया के चढ़ दिया गलों में रहे प्यारे दर्शको जो भी थोड़े सुझाव जो थोड़िया मंगा ने असी सत्कार करते हैं थोड़े सुझाव की थोड़िया मंगा की असी कदर करते हैं और इन कदर के नाल नाल जो भी तुम सू कहोगे ये टीवी थोड़ा ये तुम चला मदद के नाल सहयोग के नाल टीवी चलाया गया आप रल मिल के इनू चला और जो भी तुम सुझाव दोगे असी उन्हें खिड़े मत्थे स्वीकार करके आप हमेशा ही जो थोड़िया मंगा ने असी उन्होंने मद्देनजर रखद होया प्रोग्राम चलावे असी कलेर जी संगत की सब तो पहली डिमांड यह है बे जिन्ना तुसी प्रोग्राम हुण तक लिया थोड़े ही समय दे विच चंद क वीकां दे विच हफ्तियां दे विच तुसी संगत सारी नू गुरु रविदास माई दे बारे जानकारी दवाई है अपना गां जिहड़ा समा घट है जिवें कि संगतां दी डिमांड है 24 घंटे चलाया जावे आप जी का की विचार है कि आपां इहनू कित्थों तक लिया सकदे आ। जय गुरदेव, सब तो पहला मैं चौहान साहब जो पंजाब तो डेलीगेट साडे आए हुए हन उन्हां दा धन्नवाद करदा हाँ कि जिन्होंने शॉर्ट टाइम के उत्ते इत्थे साडे स्टूडियो जाके स्टूडियो की शान नूं वधाया। बाकी शौंकी साहब जो व्यू वारों आ रहे आ बहुत वधिया व्यू आ, कोई इदां दी कमजोरी वाले व्यू नहीं हैगे। कांशी टीवी विंस टीवी के थ्रू जो चल रहा है दुनिया के कोने कोने दे विच उसका जो तुसी प्रोग्राम जां प्रेजेंटर बाकी दे आउंदे सारे बहुत वधिया तरीके दे नाल प्रोग्राम दिंदे आ। इह 24 आवर चलण नूं सानूं संगतां दा सहयोग चाहीदा आ। जिन्ना चिकर संगत साडे नाल नहीं हैगी मोढे नाल मोढा नहीं ला के चलदी उन्हों जिस बस मर्जी बे कर लो केस भी पास्यों पुछ लो भी जानी पैसे के तौर पर पोलीटिकल तौर पर राजनीतिक तौर पर जे असी सारे एक कट्ठे होकर एक करिए हमला मारांगे तो 24 आवर जिहड़ा आ बे दूर नहीं ये जल्दी ही प्रोग्राम जल्दी किया जाऊगा। जो बाकी जो डिमांड आँदी है सवेर में मैनू ज़्यादा तौर पर तुहानू भी इतने बहुत फोन आते हैं ज़्यादा तौर पर मैनू जो फोन आते हैं लोगों के बाहरलियां कंट्रियां के बी उ की करते हैं तुसी प्रोग्राम च मैं कभी तुसी देखते दे नहीं प्रोग्राम भी सानू दसो असी गुरुदास महाराज की जो बाणी आ उसका सवेर में जो भी प्रकाश किया जाता है गुरुदास महाराज की सच्ची और सुची बाणी है। असी कभी किसी धर्म के वरखिलाफ ना असी बोलना है ना असी कभी बोले ना ही असी किसी धर्म के वरखिलाफ बोलना असं अपने धर्म का प्रचार करना है गुरुदास महाराज की बाणी का प्रचार करना है। जल्द ही साढ़ा अपना व्यू है थोड़े नाल सारे सहयोग के नाल इनू जल्दी तो जल्दी असं 24 आवर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद कलेर जी। प्यारे दर्शको तुहाडी एक मनोकामना नूं हुंगारा मिल रहा जो तुहाडी मंग है कि इहदा समां वधाया जावे सो प्रबंधकां तक आप जी ने भी सुनिया मैं फिर दोबारा इन्हां नूं तुहाडे वल्लों सुनेहा दे रहा भी आप जी दीआं मंगां नूं जल्दी तो जल्दी संपूर्ण किया जाए और जिदा संगत राजी है उन्हां नूं खुश करन दी कोशिश की जाए। प्यारे दर्शको हर गल दा समां हुंदा है, समय समय के नाल हर चीज़ कामयाब होंदी है, हर कामयाबी के पिछे कोई ना कोई सफलता का हाथ होंदा है। अज मैं तुहानू एक गल कह दिया पहला मौका
इस संसार दे विच सतगुरु रविदास जी का निरोल, बाबा साहब डॉक्टर जी का निरोल और बाकी महापुरशां दा जिन्हां अनगौलिया किया गया सी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी महाराज, सतगुरु सैन जी, सतगुरु त्रिलोचन जी और सतगुरु स्वामी वाल्मीकि जी महाराज, अते ओ महापुरश जेड़े के गरीब जां जिन्हां नूं इह लोक तनाड़ लोक छोटियां जातां नाल कहिंदे ने, इन्हां नूं अनगौलिया किया गया। पर इन्ने चिरां बाद कांछी टीवी ने यह उपराला करके आप जी तक उन्हां महापुरशां की जानकारी देने का बीड़ा चुकिया। मैं अज यही एक गल अपने वीर जिहड़े कि भारत तो आए ने, बहुत जन समाज पार्टी के घर तर धरत है और हिमाचल प्रदेश तो पहला जे एंड के जम्मू कश्मीर दे विच भी ए बिल्कुल उही अहुदे ते जिथे हुण हिमाचल प्रदेश दे विच ने, और इस तो पहला ए नेवी दे विच भी रह के आए ने, और उस तो नाल नाल नेवी तो बाद न्यूजीलैंड दे भी सिंधे भी बन के आए ने। तो मैनूं बड़ी खुशी है कि इन्होंने दुनिया गाई है, दुनिया गाण दे नाल नाल इन्हां नूं हर तरीके का हर पक्षों तजर्बा। मैं एक तजर्बे की आप जी तो चौहान जी गल पुछा, इत्थे रविदासिया कौम जिन्नी क है और बड़ी चढ़दी कला च है, जिन्ना गुरु रविदास माई का मिशन अगे ले जाण वास्ते जां रविदासिया धर्म नूं अगे ले जाण वास्ते उपराला कर रहे हैं, मेरे ख्याल हद तो बाहर है। पर हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच साडी कम्यूनिटी गुरु रविदास जी दे श्रद्धालु, बाबा साहब जी दे श्रद्धालु बेहद हन। की आपां उत्थे भी कदी महसूस किया जिहड़ा कि असीं इत्थे महसूस करके ये चैनल चलाया, भी की आपां उत्थे भी इह चीज़ महसूस करदे आ भी इन्नी दुनिया उत्थे रहिंदी है। साडे बिजनेसमैन भी ने, होर भी बहुत तरह तरह पैसे वैल सैटल ने, उन्हां कोल हर तरीके दे धन भी है, हर तरीके की पहुँच भी है। असीं आप जी नूं बेनती करदे भी अपने वालों साडे सब तो पहला तो साडे इस कंच टीवी नूं अपने विचार दिओ, और उस तो बाद असीं इह तुहानूं कह रहे हां भी जिहड़ा असीं इह इत्थे उद्यम कीता है, ये उपराला कीता है, इस उपराले दा तुसीं की महत्व समझदे आ? सब तो पहला मैं श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वलों चलाया होया ये बहुत ही बड़ा उपराला कांशी टीवी रविदासिया कम्युनिटी यूके और जिन्हां जिन्हां ने भी इस उपराले दे विच योगदान पाया उन्हां सारयां दा धन्नवाद करदा होया रविदासिया कम्युनिटी और चैनल दे प्रबंधकां नूं लख लख मुबारकबाद दिंदा कि जो ये उपराला है अज चाहे थोड़े समय लई शुरू होया लेकिन जिदा जिदा दियां खबरां आ रही हैं, कलेर साहब ने कहा, बंगा जी ने, बंगड़ जी ने और होर भी मैनू आले दुआले खबरां मिलियां, शौकी साहब मैनू इदा लगता जल्दी ही ये तुहाडा उपराला जिस तरह तुसी सोचदे हो कि 24 घंटे ये 24 घंटे हो जाएगा, क्योंकि दर्शकों की मंग भी है और मैं इंडिया दे विच भी इस चैनल बारे बहुत सुनिया है। और गुरु रविदास जिहड़ी गुरु रविदास नूं मन्नण वाले पंजाब इंडिया दे विच बैठे जिन्हां बारे तुसीं कहा कि क्या वह भी कदी ये सोचते हैं, हमेशा ही सोचते हैं, वो तो ये सोचते हैं शायद कि साड़ी सरकार भारत दे विच बन जाए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए तो जिन्ने भी चलाएमान जिन्ने भी चैनल भारत दे विच चल रहे हैं वो सारे दे सारे बहुजन समाज पार्टी की गल करनगे, और एक समा आएगा गुरु रविदास जी का मिशन सारे चैनलों तो चलेगा, और ये अज दुनिया की जरूरत भी है जो गुरु रविदास जी ने इस कौम लई और नाल नाल होर गरीबां कौमां लई हादा नारा मारिया सी, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, उन्होंने एक कम्यूनिटी लई नहीं सबन को अन्न, उन्हां सारे लोगों नूं इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, जिहड़े लोग इस देश दे विच दुनिया दे विच गरीब रह गए और छोट बड़े सब संवसे रविदास रहे प्रसन्न, गुरु रविदास जी ने उन्हां सारियां लोगों का उन्हां सारियां कौमां का भला मंगिया, उन्हां नूं रोटी इज्जत दी मिले, कोई छोटा ना होवे, कोई नीवा ना होवे, कोई उच्चा ना होवे, सारे बराबर होण,
और ये जिहड़ा चैनल है इहनूं एक बारी फिर मैं बधाई दिंदा शौकी साहब। और जिहड़ा इंडिया दे विच तुसीं गल कीती, इंडिया दे विच भैण कुमारी मायावती जी और उन्हां दी टीम जिहदे विच मैं शामिल है और वह तमाम लखां वर्कर चाहुंदे आ कि भारत दे उत्ते बहुजन समाज पार्टी दा राज होवे, गुरु रविदास जी दी सोच दा राज होवे और उस तो बाद सारे चैनल जिहड़े आ वह गुरु रविदास जी का गुणगान करन, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा इस दुनिया लई जिहड़ा उन्हां दा योगदान है गरीबां लई, खास करके न्योटिया नपत्तिया नमाणिया न्यासरिया लई, वह ज़्यादा तो ज़्यादा उहदा प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद तुहाडा चौहान जी। इहदे नाल ही मैं एक गल होर जमा कर दिया, साढ़े इत्थे इंग्लैंड दे विच माघ दी पुन्निया आउण नूं अजे कुछ महीने पए ने, पर साढ़े तैयारियां हुण तो शुरू ने। गुरु घरां च जिथे जिथे भी आ माई दी बाणी दीआं लड़ियां शुरू हो जांदियां, माई दे पाठ कीते जांदे आ, सतगुरु रविदास महाराज नूं उहदे नाम लेवा उहदियां श्रद्धालू संगतां चेते करदियां। पिछले कुछ सालों तो 15-20 सालों तो इंग्लैंड तो पहले कांछी नगरी के दर्शन करने वास्ते जहाज गया, हुण इको जहाज नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने दे विचों सतगुरु रविदास महाराज नूं नमस्कार करने वास्ते कांछी नगरी की पवित्र धरती नूं अपने मस्तक नूं लाउण वास्ते उत्थे दे कण कण दे दर्शन करने वास्ते संगत हर साल जांदियां। चौहान जी असी हुण तैयारियां कर रहे हैं, साडा जहाज तैयार हो रहा, असी फरवरी दे विच आप जी कोल सतगुरु रविदास महाराज नूं परदेसां दे विचों शरदा दे फुल भेंट करन वास्ते आ रहे हैं। असी जदों उत्थे पहुंचांगे सानूं तुहाडे वल्लों बाहरले परदेसियां नूं जिद्दां तुसीं साडे कोल बैठे हो, असी सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज दे चरणां विच शरदा लै के आउणा, होर साडी कोई मंग नहीं। गुरु महाराज ने सानूं इत्थे सब कुछ दित्ता है, जां अपने भैणां भरावां नूं जां अपने जिन्ने बजुर्ग ने जां अपने देश नूं अपनी मातृ भूमि नूं असीं देखण आउंदे हां और उत्थे दीआं तरक्कियां देख के असीं खुश हुंदे हां। जदों असीं इत्थों जावांगे असीं चाहुंदे हां वी सानूं तुसीं वी मिलो, ते तुसीं सानूं किहो जिहा उंगारा दिओगे उत्थों? इह खुशी दी गल है कि जिथे गुरु महाराज सतगुरु रविदास जी पैदा होए उस धरती दे उत्ते अज साडी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। भैण कुमारी मायावती जी उतों के चौथी बार मुख्यमंत्री हैं और असी तुहाडा जिहड़ा सत्कार और सन्मान है असी अपने जिन्ना भी तुसी सब तो उम्मीद करते हैं उस तो बद असी तुहाडा स्वागत करांगे, क्योंकि साडा साडी साडा राज है, साडी सरकार है। और जेकर फिर भी कोई स्पैशल तुहानूं जरूरत होवे तां सानूं जरूर पहलां दस दिता जावे, कोई बसां की लोड़, कोई सिक्योरिटी की लोड़, किसी तरह की भी जिहड़ी तुसी उम्मीद करते हैं कि साडे कोलों होवे तां उह असी तुहाडे लई जरूर मुहैया करावांगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। प्यारे दर्शकों, मैं ये गल कहण लग्या झिकदा नहीं, सच सच हुंदा है। जिहड़ा बंदा सच नहीं बोल सकदा वह मेरे ख्याल एड्डी छेती जां कदी भी कामयाब नहीं हो सकदा। जे किसी दा पर उपकार किया हो, किसी का एहसान किया हो, आदमी भुल जाए तो सब तो बड़ा गुनाहगार होंदा। गुरु के प्यारे, मैं आप जी नूं खुले लफ्जां च कहना चाहुंदा, जिथे कांछी नगरी नूं भाग लगे ने, जिथे कांछी नगरी दे विच सतगुरु रविदास महाराज दे जन्म स्थान ते वड्डे वड्डे मंदिर सत मंजिला मंदिर बनण तों बाद उहदे जिन्नियां भी बत्ती गुंबदियां ने सोने नाल मढ़ दित्तियां गईआं, जो पिछला विचला डोम आ उहनूं भी सोने दे नाल मढ़ दित्ता गया, लंगर हाल बन गए ने। सतगुरु रविदास महाराज की जिहड़ी इमली जिथे सतगुरु रविदास महाराज दे अपने पवित्र मुबारक कर कमल लगे हुए ने और उन्होंने शिंगार दिता गया और तकरीबन संगतां वास्ते 7 एकड़ जमीन लैके बाथरूम भी बना दिते गए, लोगों के रहने वास्ते रहन बसेरा उत्थे दे धर्मशाला भी बना दी गई है और इहदे नाल नाल होर भी संगतां दीआं सहूलतां वास्ते बहुत वड्डे वड्डे प्रोजैक्ट उलीके जा रहे ने। पर इन्हां दे नाल नाल प्यारे दर्शकों, जिहड़ा मैं सब तो वड्डा धन्नवाद देना चाहूँगा वह आ मेरे बीबी भैण मायावती जी, जेडे कि इस वेले उस धरती के मुख्यमंत्री ने जिथे सतगुरु रविदास महाराज ने प्रकाश धारण किया और इस वेले ताकत राजनीतिक तौर पर
बहुजन समाज पार्टी इतों तक मैं कह दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस उम्मीद न खरा उतारने वास्ते सतगुरु रविदास मह के सुपने साकार करने वास्ते अज प्रतक रूप दे विच तुहाडे सामने एक नमूना है बीबी मायावती जी जिन्हां उत्ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उस